पनवेलमध्ये शिवसेनेकडून प्रभाग 14 येथे दावते इफ्तियार। 20 एप्रिल 2022 रोजी शिवसेनेच्या वतीने प्रभाग क्रमांक 14 प्रेस्टीज गार्डन सोसायटी येथे दावते इफ्तियार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले। शिवसेनेचे पनवेल उपशहर प्रमुख अब्रार मास्टर कच्ची, प्रभाग क्रमांकचे 14 चे उपविभाग संघटक जुनेद पवार, शाखा प्रमुख नुरुल्ला वाईकर यांच्या पुढाकाराने या पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी आमचे खास पाहुणे मौलाना शाह अब्दुल गणी साहब व शिवसेना जिल्हा अध्यक्ष शिरीष गरज साहब, पनवेल महानगर प्रमुख रामदेश चवळे साहब, पनवेल महानगर संघटक ॲडव्होकेट प्रथमेश सुमन साहब, दीपक गरज साहब, भरत पाटील साहेब, पनवेल निरीक्षक दीपक निकम साहेब, मान्य जमील खान साहेब, शेख इम्तियाज भाई पनवेल शहर प्रमुख प्रवीण जाधव साहेब यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच प्रभागातील नागरिक उपस्थित होते। नमस्कार, व्हीव्ही न्यूज चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी आलो आहे प्रभाग क्रमांक 14 पनवेल सदर ठिकाणी आणि इथे इफ्तियार पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं शिवसेना या पक्षाच्या माध्यमातून। तर आपण भेटणार आहोत अब्रार कच्ची यांना आणि जाणून घेणार आहोत त्यांचं काय नियोजन आहे। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अब्रार मास्टर। आज ये इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम आयोजित किया गया है वार्ड क्रमांक 14 के अंदर पनवेल शहर में। और ये इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम इसलिए किया गया था कि एक मैसेज आज देश के लिए, देश में एक मैसेज देना है, जो देश के अंदर जो एक खलबली सी मची है, एक उलझन सी मची है, एक स्पीकर को लेके, एक मुसलमान को लेके, एक धर्म को लेके जो परेशानी की जा रही है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये प्रोग्राम के माध्यम से हमको ये दिखाना था, एक संदेश देना था कि मुसलमान और हिंदू, सिख ईसाई, ये भाई भाई हैं और इसकी ये जो है मिलकर ये एक संदेश है, एक पैगाम है। ये पैगाम के लिए हमने ये प्रोग्राम को आयोजित किया गया था। सबसे पहले हमारे सभी मेहमान जो हमारे ज़िला प्रमुख श्री दादा और जितने भी मेरे मेहमान लोग आए और ये मेहमान लोग आके आज हमारे प्रोग्राम में आए, हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये असल ये एक पैगाम है, वाकई में पैगाम है कि ये मुसलमान की एकता के लिए, हिंदू का एकता के लिए, कि एक हिंदू मुसलमान के प्रोग्राम में जाता है, एक मुसलमान हिंदू के प्रोग्राम में आता है। ये असल जो प्रोग्राम, ये जो मैसेज था, ये आज ये लोग ने आकर एक सबूत दिखाया है। बस ये इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे प्रोग्राम में आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत खुशी हुई। शिवसेना के लाड के जिला प्रमुख शिरीष घरत साहेब आणि आमचे रामदास शेवाले साहेब, प्रथमेश सुमन साहेब, दीपक निकम साहेब, आमचे भरत साहेब, आमचे इम्तियाज साहेब, प्रवीण जाधव साहेब, तर आजचा जो कार्यक्रमचा जो इकडचं नियोजन जो होता तो या प्रमाणचं होता की शिवसेना चे संबंध आपले मुसलमान लोकांचे आजपासून नाही, जेव्हापर्यंत शिवसेनाची स्थापना झाली तेव्हापासून शिवसेनामध्ये आम्ही लोक, आमचे बापदादा संलग्न होते याच्यामध्ये। तर आजची इफ्तार पार्टीचे आमचे जे लोक आले इकडे, या लोकांचे हार्दिक स्वागत करतो। जुनेद पवार जी, आप क्या बताएंगे इस इफ्तियार पार्टी के बारे में? राज्य में, देश में एक अलग हवा में बात चल रही है, भेदभाव को लेके अलग माहौल चल रहा है। तो उस वो माहौल करने वालों, जिन जो आवाज़ कर रहे हैं, उनको बोलना अपना आवाज़ जारी रखें, हम अपना भाईचारा जारी रखेंगे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आपका जारी रखें, हम हमारा भाईचारा जारी रखेंगे। कोविड काल में देखो क्या हाल था, लोग इंसानियत आगे बढ़ रही थी, जात धर्म को पीछे रखते हुए आदमी इंसानियत को आगे रखें, सबकी मदद कर रहे थे। ये एक मैसेज हमारी प्रभाग क्रमांक 14 की तरफ से हमारे अब्रार मास्टर, उपशहर प्रमुख हमारे नूरुल्ला वाईकर और जो है सुफियान मुकदम, जमील भाई खान, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इन सारे प्रोग्राम को आयोजन में मदद की। इसके साथ में जितने लोग भी और इनके साथ में सोसाइटी के भी लोगों के थे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी दोस्त अहबाब है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी दादा के लिए।